नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां हम डिफेंस और विदेश नीति से जुड़ी हर बड़ी खबरों का विश्लेषण करते हैं। कोरोना महामारी के बीच डीआरडीओ ने एक बड़ी राहत की खबर दी है। डीआरडीओ ने एंटी कोविड दवाई बनाने का दावा किया है। डीआरडीओ का दावा है कि ग्लूकोज पर आधारित इस दवाई के सेवन से कोरोना से ग्रस्त मरीजों को ऑक्सीजन पर ज़्यादा निर्भर नहीं होना पड़ेगा और वे जल्द ही स्वस्थ भी हो जाएंगे। डीआरडीओ के इस दवाई को डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ मिलकर तैयार किया गया है और क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने इस दवाई को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए हरी झंडी दे दी है। डीआरडीओ के मुताबिक ये एंटी कोविड मेडिसिन 2-डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज, जिसे 2-डीजी के नाम से भी जाना जाता है, डीआरडीओ की दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस ने हैदराबाद के रेड्डी लैब के साथ मिलकर इस दवाई को तैयार किया है। और डीआरडीओ का दावा है कि क्लिनिकल ट्रायल के दौरान ये पाया गया है कि जिन कोविड मरीजों को ये दवाई दी गई थी, उनकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट बहुत जल्द ही निगेटिव आ गई है। डीआरडीओ के इस दवाई को लेकर खुद रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक तौर से जानकारी देते हुए ये बताया है कि ये एक जनरल मॉलिक्यूल है और ग्लूकोज का एक एनालॉग है, इसलिए ये भरपूर मात्रा में मार्केट में उपलब्ध है और ये एक सैशे में पाउडर फॉर्म में मिलती है और पानी में घोलकर पी जा सकती है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पिछले साल यानी अप्रैल 2020 से इस दवाई पर काम चल रहा था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल ही डीआरडीओ को कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया था। इसके बाद डीआरडीओ ने खुद इस 2-डीजी दवाई का थेरेप्यूटिक इस्तेमाल किया और लैब में इस पर परीक्षण किया। ये परीक्षण हैदराबाद के सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी के साथ किए गए थे और इसमें पाया गया था कि सार्स कोविड 2 वायरस के खिलाफ ये सही काम करता है और वायरल ग्रोथ को रोकने में कामयाब भी है। इन परिणामों के बाद DCGI यानी ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने इस दवाई को फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल की इजाज़त दे दी। डीआरडीओ ने उसके बाद हैदराबाद में अपने इंडस्ट्रियल पार्टनर डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ मई 2020 से लेकर अक्टूबर तक दूसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल किए। इस दौरान पाया गया कि ये कोरोना से ग्रस्त मरीजों पर कारगर साबित हो रही है। फेज 2A के ट्रायल 6 बड़े अस्पतालों में किए गए। वहीं रक्षा मंत्रालय के मुताबिक फेज 2B के ट्रायल 11 अस्पतालों में 110 मरीजों पर किए गए। डीआरडीओ की माने तो फेज 2 के सभी ट्रायल्स में ये पाया गया कि कोरोना से ग्रस्त मरीजों को जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर यानी जो दूसरे इलाज के तरीके थे, उनसे 2-डीजी दवाई के मुकाबले मरीज 2.5 दिन पहले ही ठीक हो रहे थे। इन परिणामों के आधार पर DCGI ने DRDO को फेज 3 यानी आखिरी चरण के क्लिनिकल ट्रायल्स की इजाज़त दे दी, जो दिसंबर 2020 से शुरू होकर मार्च 2021 तक चली। रक्षा मंत्रालय की माने तो फेज 3 के ट्रायल्स कुल 220 मरीजों पर किए गए थे। ये परीक्षण दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में कुल 27 अस्पतालों में किए गए। इन ट्रायल्स के परिणाम DCGI के सामने प्रस्तुत किए गए। इन परिणामों में पाया गया कि जिन कोविड मरीजों को 2-डीजी दवाइयाँ दी जा रही थी, उन्हें ऑक्सीजन देने की ज़रूरत बेहद कम पड़ रही थी। तीसरे दिन से ही मरीजों में इस दवाई का असर दिखाई देने लगा था, जबकि इसी दौरान जो दूसरी दवाइयाँ कोविड मरीजों को दी जा रही थी, उन्हें आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ रही थी। इसी तरह के परिणाम 65 साल से अधिक आयु वाले कोविड मरीजों में भी देखने को मिला। इन क्लिनिकल ट्रायल्स के नतीजों के बाद 1 मई को DCGI ने इस 2-डीजी दवाई को कोरोना से ग्रस्त मॉडरेट और सीवियर मरीजों को एडजंक्ट थेरेपी के तौर पर इस्तेमाल की परमिशन दे दी। DRDO के एक साइंटिस्ट ने यह बताया कि 2-डीजी दवाई कोविड से ग्रस्त मरीजों के शरीर में वायरस के साथ घुल और मिल जाती है, इसके चलते वायरस की ग्रोथ नहीं हो पाती। इसके वायरस के साथ मिल जाना ही इस दवाई को अलग बना देता है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जब मरीजों को ऑक्सीजन की बेहद ज़रूरत है, ऐसे में इस दवाई से ऑक्सीजन पर निर्भरता बेहद कम हो जाएगी।
डीआरडीओ के एक अधिकारी ने बताया कि क्योंकि इस दवाई को डीसीजीआई ने इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है, ऐसे में सिर्फ अस्पतालों में ही मरीजों को ये मिल पाएगी। हैदराबाद की जानी मानी डॉक्टर रेड्डी लैब इस दवाई की बड़ी मात्रा में उत्पादन करेगी। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कारण जरूर बताएं, ताकि अगली बार हम वीडियो को और भी अच्छे तरीके से आपके सामने रख सकें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिंद की सेना।